नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक रिलेटेड है हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी के क्षेत्र में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने काम किया है, लेकिन सिगमंड फ्रायड का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिगमंड फ्रायड वियना के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। अगर हम इन्हें मनोविज्ञान का आइंस्टाइन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिगमंड फ्रायड का योगदान मनोविज्ञान में इतना अधिक है कि इनको मनोविज्ञान के पितामह की तरह देखा जाता है। मनोविज्ञान में इन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं, परंतु इनका जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका विकास साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए इन्होंने किया था। बेसिकली मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल, ये किसी की पर्सनालिटी का विश्लेषण है, यानी किसी की साइकी या माइंड या मन का विश्लेषण ही साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल है। तो साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल की जो व्याख्या है, इसको इन्होंने बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी जटिलता इतनी अधिक है कि मनोविज्ञान की साधारण समझ रखने वाला आसानी से नहीं समझ पाता है, क्योंकि इन्होंने व्यक्ति के जो विकास की प्रक्रिया है यानी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, इसको कई स्टेप में और विशेष प्रकार की टर्मिनोलॉजी के द्वारा इसकी व्याख्या की है। सिगमंड फ्रायड का यह भी मानना था कि बालक जन्म से मृत्यु तक साइकोसेक्सुअल इंस्टिंक्ट यानी प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, यानी बालक जन्म से मृत्यु तक काम प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। इस काम प्रवृत्ति का विकास 5 अवस्थाओं में होता है और जिसको इन्होंने अलग अलग नामों से बताया है। पहली अवस्था कि इन्होंने ओरल स्टेज, फिर एनल स्टेज, फिर इन्होंने जेनाइटल की बात की है, लेटेंसी की बात की है, और एक स्टेज और इन्होंने बताई है जिसका नाम इन्होंने दिया है फैलिक स्टेज। ये सारी स्टेजेज 5 स्टेजेज हैं जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। इनका अगर सीक्वेंस आपसे कोई पूछे, एक आध बार सवाल पूछा गया है कि सिगमंड फ्रायड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेज का क्रम क्या है, तो क्रम सबसे पहले ओरल स्टेज आती है, फिर एनल स्टेज आती है, फिर फैलिक स्टेज आती है, फिर लेटेंसी स्टेज आती है, और लास्ट में जेनाइटल स्टेज आती है। जेनाइटल स्टेज जो है ये लास्ट तक रहती है, वृद्धा अवस्था तक रहती है, किशोरावस्था के तुरंत से स्टार्ट होती है। तो यहाँ जो बालक के विकास की प्रक्रिया है, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, यानी माइंड के जो की व्याख्या का जो आधार है, इन्हीं स्टेज से होकर गुजरता है। ये जो बालक है, बालक का जो विकास है यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, इन स्टेजेस के साथ जब होता है, तो बेसिकली क्या है कि बालक जन्म से ही इन प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, ताकि उसे प्लेजर मिले, और वो प्लेजर यानी वो उसका जो सुख होता है वो उसकी पर्सनालिटी के साथ या वातावरण के साथ पर्सनालिटी का एडजस्टमेंट बनाता है या सिखाता है। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब बात आती है कि बालक के अंदर ये साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट है ये होता कैसे है। जैसा सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बालक जन्म से मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की स्टेजेस से होकर अपना विकास करता है, और उन सभी स्टेजेस में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। इस काम प्रवृत्ति के कारण लड़कों और लड़कियों में एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। कॉम्प्लेक्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ग्रंथियों का विकास होता है, ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है। ऑडिपस ग्लैंड लड़कों में पाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। ऑडिपस ग्लैंड के प्रभाव के कारण लड़के मदर के तरफ सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं, जबकि लड़कियां फादर की तरफ काम आकर्षण प्रदर्शित करती हैं। इन दोनों प्रकार के आकर्षण को लिबिडो कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया लिबिडो क्या है, तो लिबिडो जो है LIBIDO लिबिडो टाइप ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जिसके कारण किसी बच्चे में दो प्रकार के एटीट्यूड बिल्डअप होते हैं, विकसित होते हैं। पहले एटीट्यूड को या पहले प्रकार की इंस्टिंक्ट या अभिवृत्ति को हम
लाइफ इंस्टिंक्ट यानी इरोस कहते हैं और दूसरे प्रकार की मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी थैनाटोस कहते हैं। इरोस जो है, इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति है, इसके प्रभाव के कारण बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर या कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी और पॉजिटिविटी का विकास होता है, सकारात्मकता आती है। और जो थैनाटोस हैं यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति हैं, इनके प्रभाव के कारण किसी भी बालक के अंदर नेगेटिविटी और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर उसका या पर्सनालिटी विकसित होती है। इन दोनों प्रकार के इंस्टिंक्ट के कारण यानी इरोस और थैनाटोस के कारण किसी भी बालक की जो पर्सनालिटी होती है वो दो पार्ट या दो प्रकार के दैहिक अभिवृत्तियों से प्रभावित होती है। एक को हम माइंड कहते हैं और दूसरे को हम एटीट्यूड कहते हैं। माइंड की एनालिसिस या माइंड को समझने के लिए सिगमंड फ्रायड ने बेसिकली तीन प्रकार के माइंड की विवेचना की है। पहले माइंड को बताया है चेतन मन, दूसरे माइंड को बताया है अचेतन मन, और तीसरा जो माइंड है जो दोनों के बीच कनेक्टिंग का काम करता है, पुल का काम करता है, उस माइंड को इन्होंने बताया है अर्ध चेतन मन, या इसको कभी कभार सेमी कॉन्शियस माइंड। ये टर्मिनोलॉजी बहुत सही तो नहीं है लेकिन लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड और सेमी कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, या इस प्रकार के चेतन अचेतन और अर्ध चेतन मन की संकल्पना इन्होंने कहां से प्रकट की। तो इस चेतन अचेतन और अर्ध चेतन मन की संकल्पना इन्होंने आइसबर्ग प्रिंसिपल का अगर कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बताना चाहें तो समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े की तरह इसकी व्याख्या की है। यानी आइसबर्ग प्रिंसिपल वैसा है जैसे कि कोई बर्फ का टुकड़ा जब पानी में तैरता है तो उसका ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर होता है और थोड़ा हिस्सा पानी के बाहर होता है। जो बाहर होता है वो चेतन मन का कॉन्सेप्ट है और जो अंदर होता है वो अवचेतन या अचेतन मन की व्याख्या में इन्होंने उसका सहयोग लिया है। अब बात आती है कि कॉन्शियस माइंड किस प्रकार का माइंड होता है। बेसिकली लोग कहते हैं जो जागृत अवस्था है वो कॉन्शियस माइंड, ये बात सही नहीं है। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जब आपके सेंसरी ऑर्गन किसी भी एक्टिविटी को करने में एक्टिवली पार्टिसिपेशन ले रहे होते हैं, यानी आपके जो संवेदी अंग हैं जब किसी गतिविधि में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो वो सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर सिंपल तरीके से कहा जाए, जो आप सक्रिय अवस्था है आपकी, जिस समय आपको सब कुछ पता चल रहा होता है, सारी इंद्रियां आपके आंख कान नाक टच ये सारा सब कुछ एक्टिव है किसी भी काम को करने में, तो वो क्या माइंड कैसा हो जाता है, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड है, सीमित है। इसमें वो गतिविधियां आती हैं जैसे आप जो सोसाइटी में यानी समाज में मान्य गतिविधियां व्यक्ति करता है। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो उन गतिविधियों को परफॉर्म करने में सहायता करता है जो समाज में स्वीकृत गतिविधियां हैं। अब समाज में स्वीकृत गतिविधियों को करने वाला माइंड कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वहां आपको डिसीजन लेने के लिए आपका ब्रेन खुला है, देखने के लिए आपकी आंखें खुली हैं, मतलब महसूस करने के लिए आपके सेंसरी ऑर्गन टच वगैरह काम करते हैं, तो इसमें सोशली एक्सेप्टेबल गतिविधियां की जाती हैं जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन वह मन होता है जिस जब कोई भी गतिविधि करते समय बालक की सेंसरी ऑर्गन एक्टिव तो होते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन तो लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं। सपोज दैट कोई व्यक्ति अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है, तो अगर उस कमरे में कोई व्यक्ति आता है और आकर चुपचाप चला जाता है अपना फोन मोबाइल या चार्जर उठाकर, तो हो सकता आपको पता ना चले, लेकिन वही व्यक्ति अगर आपके ऊपर एक बाल्टी पानी डाले तो आप क्या हो जाएंगे, जग जाएंगे। कहने का मतलब है अनकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन वह मन होता है जब आपकी इंद्रियां सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बनती हैं किसी गतिविधि को करने में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपकी रियल पर्सनालिटी जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में ही, ये माइंड पावरफुल माइंड है क्योंकि ये तुम जैसे हो, तुम्हारा जैसा व्यक्तित्व है तुम्हें वैसा ही दिखाता है, उसमें बनावटीपन नहीं। जबकि चेतन मन अगर आप कॉन्शियस हो तो आप चाहे जितनी शैतानी करो, और हम कॉन्शियस में हैं तो आपको
गंदे संदे शब्दों का हम आपके लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, भले इरिटेट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शस होंगे तो हमें पता है अगर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उल्टी सीधी बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर हमें इस बात का सेंस ना हो कि हम हमारे अंदर जो गतिविधि आए और उसको हम परफॉर्म कर जाएं, तो ये अनकॉन्शस माइंड यानी हमारी इंद्रियां यहां डिसीजन नहीं ले रही। जितने भी असामाजिक काम है, गंदे काम है, जितने भी मर्डर हैं, हत्याएं हैं, ये सब गुस्सा है, अनकॉन्शस माइंड का पार्ट होते हैं। क्योंकि अनकॉन्शस माइंड डिसीजन नहीं लेता है, जैसे भाव आते हैं वैसे उसको डिस्प्ले कर देता है। यानी किसी व्यक्ति की रियल पर्सनालिटी जो है वो अनकॉन्शस माइंड में ज्यादा डिफाइन होती है अपेक्षाकृत कॉन्शस माइंड में। कॉन्शस माइंड आपको डिसीजन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करने के लिए कहता है, लेकिन सेमी कॉन्शस माइंड या अर्ध चेत मन की अगर हम बात करें तो ये चेतन और अचेतन के बीच पुल का काम करता है। और यहां पर स्थिति आती है कि यहां एक ऐसी स्थिति है कि यहां पर इंद्रियां आपकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन ले भी रही होती हैं और नहीं भी ले रही हूं। ऐसी स्थिति होती तो है लेकिन व्यवहार में इसको बताना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? जैसे कि आपसे कोई कहे कि आप सो भी रहे हैं और जग भी रहे हैं, होता ऐसा बहुत बार है, लेकिन इसकी व्याख्या करना बड़ा टफ है। इसमें वो गतिविधियां आती जैसे नींद में चलना, हकलाना, रुक जाना, भूल जाना, ऐसी स्थितियां क्या है अचेतन मन या सॉरी अर्ध चेतन मन के अंदर आती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ये तीनों माइंड अगर किसी के क्या है कंट्रोल या बैलेंस्ड हैं तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। आपको थोड़ा बनावटी हर समय नहीं रहना है, रियल भी गतिविधि करना है, क्योंकि ये सारे आपके माइंड को या आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करने के लिए जरूरी हैं। पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए सेगमेंट फ्रेड एक दूसरा पार्ट लिया जिसको इड, ईगो एंड सुपर ईगो यानी एटीट्यूड के तीन रूप बताए, उसमें इदम, अहम और परा अहम की बात की। अब बात आती इदम जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता, सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है और यह हमेशा अनकॉन्शस माइंड के कंट्रोल में रहता है। सवाल बनता है कि सुखवादी सिद्धांत पर कौन सा काम करता है या पूछ लिया जाता है अचेतन मन के कंट्रोल में तीनों में से कौन रहता है। तो अचेतन मन के कंट्रोल में आपका इदम यानी इड रहता है और प्लेजर सुखवादी ये सब बच्चों के अंदर बहुत पाया जाता है। अब बच्चों के अंदर क्यों पाया जाता है सोचने वाली बात हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा अगर आप आगे बढ़ें तो एक दूसरा एटीट्यूड का रूप आता है जिसको हम ईगो कहते हैं, अहम कहते हैं। ये क्या करता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल यानी वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और दूसरा ये कॉन्शस और अनकॉन्शस दोनों प्रकार के माइंड के कंट्रोल में रहता है। यानी कॉन्शस और अनकॉन्शस दोनों के बीच में ये पिंडुलम की तरह हिलता रहता है। अब यहां जिसको एजुकेशन और सोशलाइजेशन प्रॉपर मिलता है वो कॉन्शस माइंड से काम करता है और जिसको प्रॉपर एजुकेशन और सोशलाइजेशन नहीं मिलता है वो फिर अनकॉन्शस माइंड के सहारे में चला जाता। एक तीसरा प्रकार का एटीट्यूड का टाइप है जिसको हम लोग सुपर ईगो कहते हैं और सुपर ईगो की जो स्थिति है बच्चों वो ये है कि ये तीसरे प्रकार की स्थिति और ये तब आती है जब आपका एजुकेशन और सोशलाइजेशन चरम पर पहुंच जाता है। सुपर ईगो जो है आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल यानी आदर्शवादिता के सिद्धांत पर कार्य करता है और टोटली कॉन्शस माइंड के कंट्रोल में रहता है। अब यहां से जो सवाल आपको पूछे जाएंगे कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो में से सबसे अच्छा कौन है या समाज में रहने के लिए कौन सा अच्छा है, तो तीनों में, तो अगर आप कह दोगे सुपर ईगो तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि सुपर ईगो क्या है, वो आदर्शवादिता की बात करता, वर्तमान की सोसाइटी में आदर्शवादिता की स्टोरी बहुत सक्सेस नहीं है। जैसे हम इसको फिर से समझा दें, अब आपको भूख लगी है, इड से प्रभावित है तो आप सारा खाना खा जाएंगे, भूख से ज्यादा पूरा खाना आप ले लेंगे, लेकिन ईगो में है तो जितनी वास्तविकता है कि हम दो रोटी खाते हैं तो दो, सुपर ईगो हमारे पास खाना आया है हम नहीं खाएंगे लेकिन कोई दूसरा भूख है तो उसको दे देंगे। तीनों में अगर कंट्रोल है हमें क्या होना चाहिए, इड, इड यानी जिद होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कि जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए, अब वास्तविकता उसके लिए हम क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम मेहनत करते हैं, क्या हमारे अंदर क्षमता है वास्तविकता। सुपर ईगो जब उस चीज को अचीव कर लें तो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, सोसाइटी में वेलफेयर के लिए भी काम करें। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था यानी इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शस, अनकॉन्शस, सेमी कॉन्शस, ये दोनों प्रकार के माइंड
या दोनों प्रकार के कॉन्सेप्ट किसी की पर्सनालिटी को अच्छा और खराब करने में योगदान देते हैं, जिसमें एजुकेशन और सोशलाइजेशन का भी बड़ा रोल है। सिगमंड फ्रायड ने जो साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल दिया उसको डिफाइन करने के लिए साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी का प्रयोग किया, जिसके बारे में हमने ब्रीफ में आपको बताया कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट होता कैसे है, उन पांच स्टेजेज में कैसे जाता है, लिबिडो क्या है, इरोस क्या है, थैनाटोस क्या है, या ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड कैसे काम करते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ग्लैंड शब्द का प्रयोग किया। तो पूरा सिगमंड फ्रायड, जो वियना के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, इनके जीवन में बहुत कंट्रोवर्सी रही है मनोविज्ञान के चलते, इन्होंने कई प्रकार का, लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया, इग्नोर किया, कई सारे मनोवैज्ञानिक है, एडलर, यूंग और एरिक्सन, इनके कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और जो अनुभव हुआ करें वो कमेंट में जरूर लिखा करो, फॉरवर्ड कर दिया करो दोस्तों तक। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन उनको मिलता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।